Good morning students. Today in this video we'll start a new chapter, that is chapter number 8, multiplication and division of fractions. In the previous chapter we have read about types of fractions, arranging fractions in ascending order or descending order, addition of fractions, subtraction of fractions. तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग प्रीवियस चैप्टर में पढ़े. अब इस चैप्टर में हम लोग मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के बारे में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन जानेंगे, मल्टीप्लिकेशन के बाद हम डिवीज़न पे आएंगे, ठीक है. तो टुडे विल स्टार्ट मल्टीप्लिकेशन. सपोज आई एम हैविंग टू फ्रैक्शंस 6/10 मल्टीप्लाइड 5/12, ठीक है. दो फ्रैक्शन है मेरे पास 6/10 एंड 5/12. इन दोनों को हमें क्या करना है, बीच में इन दोनों फ्रैक्शंस के बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का, मतलब इन दोनों फ्रैक्शंस को हमें मल्टीप्लाई करना है. तो देयर आर टू मेथड्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन. तो पहले हम मेथड वन जानते हैं. मेथड वन, ठीक है. मेथड वन में हम लोग क्या करेंगे कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है. वी आर हैविंग टू फ्रैक्शन 6/10 एंड 5/12. तो फर्स्ट मेथड में हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, दोनों डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके आंसर नीचे लिख देंगे, ठीक है. तो व्हाट विल बी द आंसर, तो 6 × 5 = 30. तो ये ऊपर हो जाएगा क्योंकि न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किए हम लोग. एंड नीचे में 10 × 12 = 120, ठीक है. तो न्यूमरेटर आ गया हमारा 30 और डिनोमिनेटर आ गया 120. ये मल्टीप्लाई किए, लेकिन अभी भी क्या होगा कि इस फ्रैक्शन को हम लोग लोएस्ट टर्म, तो लोएस्ट टर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, नंबर्स को डिवाइड करके और छोटा करते हैं, ठीक है. तो और जब भी डिवाइड करेंगे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में को एक ही नंबर से डिवाइड करेंगे, ठीक है. तो 30 टू के टेबल से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 15 टाइम्स और 120 अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा ये 60 टाइम्स. फिर देखिए कौन से नंबर से ये 15 और 60 डिवाइड होगा, एक ही नंबर से, तो 2 से तो होगा नहीं क्योंकि 60 तो हो जाएगा लेकिन 15 नहीं होगा. तो ये 3 के टेबल में, 3 के टेबल में 15 5 टाइम्स में और 60 20 टाइम्स में. अगेन 5 एंड 20 आया तो ये 5 के टेबल में 1 टाइम और ये 5 के टेबल में 4 टाइम. तब तो और छोटा नहीं हो जाएगा, होगा तो आंसर क्या हो गया, 1/4, ठीक है. तो इस मेथड में हम लोग क्या किए थे, दोनों न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई किए थे और डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करके फ्रैक्शन को लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट किए, ठीक है. मेथड नंबर टू, वी आर हैविंग फ्रैक्शन 6/10 एंड 5/12. इसमें हम लोग न्यूमरेटर्स को और डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे. इसमें होगा कि किसी भी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं. इधर वो क्रॉस में होना चाहिए इस तरीके से, क्रॉस में ऐसे इस तरीके से होना चाहिए, या फिर वर्टिकल होना चाहिए, ठीक है. क्रॉस में होना चाहिए या फिर वर्टिकल होना चाहिए, ऐसे हॉरिजॉन्टल नहीं, और हॉरिजॉन्टल नहीं हम लोग कट करेंगे, ठीक है. इसका मतलब आप समझते हैं कि क्या ये क्रॉस और ये क्या ये वर्टिकल है. क्रॉस में मतलब 6 और 12 को हम लोग डिवाइड करेंगे, ये ऐसे क्रॉस हुआ एक और स्लैंटिंग लाइन, 5 और 10 ये भी एक क्रॉस हुआ, 6/10 या फिर 5/12 ऐसे हम लोग कर सकते हैं. लेकिन ये नहीं कि 10 और 12 ऐसे सामने सामने हॉरिजॉन्टल हो तो ऐसे डिवाइड करेंगे नंबर्स को, इस तरीके से नहीं. या तो क्रॉस, ठीक है, या फिर वर्टिकल बट नॉट हॉरिजॉन्टल. जैसे ये देखिए क्रॉस में हो रहा है ये 5 और 10, तो ये 5 के टेबल में 5 वन टाइम में और ये 5 के टेबल में 2 टाइम्स में, ठीक है. अब ये देखिए क्रॉस में क्या आ रहा है, 6 और 12 आ रहा है, तो ये 6 के टेबल में 1 टाइम, डायरेक्टली भी हम लोग कर सकते हैं 6 के टेबल में 1 टाइम और ये 6 के टेबल में 2 टाइम्स. अब यहाँ पे देखिए 2 और 2 आ गया, तो इन दोनों को ये नहीं कि ये अब ये सामने सामने हैं, इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल. हॉरिजॉन्टली हम लोग नई नंबर्स को कट करेंगे, डिवाइड नहीं करेंगे, ठीक है. कभी भी नंबर्स को डिवाइड हम लोग हॉरिजॉन्टली नहीं करते, ठीक है, ये याद रखिएगा. या तो क्रॉस या तो वर्टिकल, कभी भी हॉरिजॉन्टल नंबर्स को हम लोग कट नहीं कर सकते हैं, कट नहीं करते हैं.
अब यहाँ पे देखिए, इन नंबर्स को हमें मल्टीप्लाई करना है, तो 1 × 1 इज 1 एंड 2 × 2 इज 4। इसमें भी आंसर क्या आया, 1/4। मेथड 1 में भी 1/4, मेथड 2 में भी 1/4। ठीक है, नाउ सी द नेक्स्ट एग्जांपल। सपोज आई एम टेकिंग 8/27 मल्टीप्लाइड बाय 15/16। पहले मेथड से करते हैं, मतलब मेथड 1 में हम लोग क्या देखे, न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करके लिखा और फिर डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करके और फिर डिवाइड किया नंबर्स को। तो 8 × 15 इज 120 एंड 27 × 16 432। तो अब देखें कि कौन से नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिवाइड होगा। तो 120 और 432 टू से डिवाइड हो जाएगा, ये होगा 60 टाइम्स में टू के टेबल में, और ये 216 टाइम्स। फिर ये 60 और 216, ये 60 होगा टू के टेबल में 30 टाइम्स, और ये 216 होगा 108 टाइम्स। ठीक है, फिर ये 30 होगा टू के टेबल में 15 टाइम्स, और ये होगा 54 टाइम्स। फिर ये 3 के टेबल में, 2 से डिवाइड नहीं होगा 15, तो 3 के टेबल में होगा 5 टाइम्स, और 3 के टेबल में होगा 18 टाइम्स। याद रखिएगा, जब भी हम लोग डिवाइड करते हैं, कोई भी मेथड हो, जब भी डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर को, तो एक ही नंबर से डिवाइड होगा। ठीक है, यहाँ तक कंटिन्यू किए थे हम लोग 2 के टेबल से, अब यहाँ पर लास्ट आ गया 3 का टेबल, तो 3 के टेबल में 5 टाइम्स और 3 के टेबल में 18 टाइम्स। तो अब प्राइम नंबर आ गया, तो अब ये डिवाइड नहीं होगा, तो ये आ गया क्या आंसर हमारा, 5/18। ठीक है, सेकेंड मेथड देखिए। सेकेंड मेथड में हमारा क्या था, फ्रैक्शन हमारा 8/27 और 15/16। सेकेंड मेथड में हम लोग देखे थे कि नंबर्स को हम लोग क्रॉस में डिवाइड करते हैं। ठीक है, क्रॉस में डिवाइड करते हैं या फिर वर्टिकली डिवाइड करते हैं, कभी भी हॉरिजॉन्टली हम लोग डिवाइड नहीं करते। ठीक है, याद रखिएगा, क्रॉस में डिवाइड करना है या फिर वर्टिकल में डिवाइड करना है, कभी भी हॉरिजॉन्टली आमने सामने कभी भी डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, वर्टिकली जब देखिए 8 और 27 तो डिवाइड नहीं होगा किसी भी नंबर से, 15 और 16 यहाँ पे देखिए तो नहीं हो रहा है। अब हम लोग देखेंगे क्रॉस में, देखिए 27 और 15 हो रहा है, ये 15 हो रहा है 3 के टेबल में 5 टाइम्स में, और ये 27 हो रहा है 9 टाइम्स में। अब 5 और 9 तो किसी भी एक के टेबल में नहीं आता है। अब ये देखिए 8 और 16, ये 8 के टेबल 2 के टेबल में 4 टाइम्स, डायरेक्टली हम लोग कर सकते हैं 8 के टेबल में 1 टाइम, और 16 8 के टेबल में 2 टाइम्स। ठीक है, ये नहीं कि 2 और 9 अगर सामने सामने, अगर सपोज यहाँ 10 होता तो ये, और ये सामने सामने हम लोग डिवाइड करेंगे, कभी नहीं। ठीक है, हमेशा क्रॉस में डिवाइड कीजिए या फिर वर्टिकली कीजिए, कभी भी हॉरिजॉन्टली हम लोग डिवाइड नहीं करते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो आया नंबर्स हमारा उनको मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाइड होगा और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर। तो 1 × 5 इज 5 एंड 9 × 2 इज 18। मेथड 1 से ईजी हमारा ये मेथड, सेकेंड मेथड है। ठीक है, ये नंबर्स को क्रॉस डिवाइड करने वाला या फिर वर्टिकली डिवाइड करने वाला, ये मल्टीप्लाई करने वाला, थोड़ा मल्टीप्लाई करने का काम हो जाता है, लेकिन हमारा जो सेकेंड मेथड है डायरेक्टली डिवाइड कर देना नंबर्स को, ये ज़्यादा इजी होता है। ठीक है, सी द नेक्स्ट एग्जांपल। सपोज आई एम हैविंग 9 1/11 मल्टीप्लाइड बाई 10 1/12। ये जो फ्रैक्शन है मेरे पास, ये जो है वो मिक्स फ्रैक्शन में है, तो पहले हमें मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना होगा किस में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो क्या हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर 11 ही हो जाएगा और न्यूमरेटर 11 × 9 इज 99, 99 + 1 इज 100। ठीक है, ये 12 ही हो जाएगा और न्यूमरेटर 12 × 10 इज 120, 120 + 1 इज 121। अब हम लोग सिर्फ एक ही मेथड से करते हैं, आई प्रेफर मेथड नंबर 2, डायरेक्टली नंबर्स को डिवाइड कर देने वाला। ठीक है, तो यहाँ देखिए, क्या वर्टिकली नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं, 100 और 111 डिवाइड होता है,
कोई भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, ये कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं होगा। 121 और 12 ये भी नहीं होगा। अब क्रॉस में देखते हैं, 11 एंड 121 ये 11 के टेबल में 1 टाइम 11 में आएगा, और ये 121 11 टाइम्स में। अब 100 और 12 ये 2 के टेबल में 6 टाइम, ये 2 के टेबल में 50 टाइम्स, ये 2 के टेबल में अगैन 3 टाइम्स, ये 2 के टेबल में 25 टाइम्स। अब 3 और 25 नहीं होगा, और सिर्फ 1 और 25 ये प्राइम नंबर आ गया, सॉरी ये 25 और 1 भी नहीं होगा, 11 और 3 भी नहीं होगा। तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई अप करेंगे, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करके लिखेंगे और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर। 21 इंटू 11 इज़ 275 एंड 1 इंटू 3 इज़ 3। ये जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आया उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे इसमें मिक्स फ्रैक्शन में। तो 275 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो ये 9 टाइम्स में 27, 1 टाइम में 3, रिमाइंडर आया 2, क्या आ गया ये 91 2 बाई 3। ठीक है, सी द नेक्स्ट एग्जांपल। सपोज आई एम हैविंग फ्रैक्शन 33 बाई 16 मल्टीप्लाइड बाई 24 बाई 55 मल्टीप्लाइड बाई 8 बाई 9। ठीक है, पहले हम यहाँ पे दो फ्रैक्शंस का देख रहे थे, अब मेरे पास है 3 फ्रैक्शंस। तो इन दिस मेथड ऑल्सो, इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो आई लो प्रेफर ओनली वन मेथड, डैट इज़ वो क्रॉस और वर्टिकल वाले नंबर को डिवाइड करने। तो इस मेथड में भी हम लोग क्रॉस और वर्टिकली में डिवाइड करेंगे नंबर्स को। ठीक है, तो व्हाट आर द फ्रैक्शंस, 3 बाई 16, 24 बाई 55 एंड 8 बाई 9। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ जो डिवाइड होगा नंबर्स तो इन दोनों के बीच ही होगा या फिर इन दोनों के बीच होगा। ठीक है, हम लोग यहाँ से यहाँ भी डिवाइड कर सकते हैं नंबर्स को। ठीक है, यहाँ से यहाँ भी डिवाइड कर सकते हैं नंबर्स को। ठीक है, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो हम लोग कहीं भी कट कर सकते हैं, बट वर्टिकली एंड क्रॉस में, ना कि हॉरिजॉन्टल में। ठीक है, तो ये देखिए क्रॉस में यहाँ पे 33 और 55 दिख रहा है, मतलब ये 11 के टेबल में 33 होगा 3 टाइम्स में और 55 होगा 5 टाइम्स में। ठीक है, अब यहाँ देखिए 16 और 24 या फिर 8 और 16 कट कर सकते हैं, 8 हो जाएगा ये 1 टाइम में और ये 16 हो जाएगा 2 टाइम्स में। ठीक है, अब ये 2 और 24 ये भी क्रॉस में हो रहा है, एक ऊपर एक नीचे, तो ये 2 हो जाएगा ये 1 टाइम में और ये 24 हो जाएगा 12 टाइम्स में। ठीक है, 3 ऊपर है 9 नीचे है, ये भी क्रॉस में मल्टीप्लाई मत कर सकते हैं हम लोग डिवाइड, तो ये 3 हो जाएगा 1 टाइम और ये 9 हो जाएगा 3 टाइम्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 12 और 3 आया, ये 12 ऊपर है और ये 3 नीचे है, क्रॉस में खुद जा रहा है, तो ये 3 के टेबल में 1 टाइम है, ये 3 के टेबल में 4 टाइम्स में। और कहीं कुछ कट रहा है, यहाँ 1 आ गया, यहाँ पे 4 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1, यहाँ 5, यहाँ पे 1, तो 1 इंटू 4 इज़ 4 एंड 4 इंटू 1 इज़ 4, 1 इंटू 5 इज़ 5 एंड 5 इंटू 1 इज़ 5। तो आंसर क्या आया हमारा, जब इस नंबर्स फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आया हमारा 4/5। सी द नेक्स्ट एग्जांपल, फ्रैक्शंस आर 1 8/17 मल्टीप्लाइड बाई 4 4/5 मल्टीप्लाइड बाई 6 3/8। ठीक है, यहाँ पे जो फ्रैक्शंस है वो सारे मिक्स में है, तो इसको पहले हम लोग कन्वर्ट करेंगे किसमें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो 17 इंटू 1 इज 17 एंड 17 प्लस 8 इज 25। ठीक है, इसका आया 4 4/5 का आएगा, डिनोमिनेटर 5 एंड न्यूमरेटर 4 5 4 20 है, 20 प्लस 4 इज 24। 6 3/8 का डिनोमिनेटर तो 8 ही आएगा और न्यूमरेटर 8 6 48 एंड 48 प्लस 3 इज 51। तो दीज आर द 3 फ्रैक्शंस। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, नंबर्स को डिवाइड करेंगे, तो जब भी डिवाइड करेंगे तो क्रॉस में या फिर वर्टिकली, ना ही ना कि हॉरिजॉन्टल में। ठीक है, तो क्रॉस में हम लोग इन दोनों को भी कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ भी डिवाइड कर सकते हैं, जैसे ये 17 के टेबल में 1 टाइम और ये 17 के टेबल में 51 3 टाइम्स, ये 5 के टेबल में 5 1 टाइम और ये 25 5 टाइम्स, ये 8 टू 24 भी एक क्रॉस में हो रहा है, 8 ये 1 टाइम और ये 24 3 टाइम्स।
ठीक है, अब नीचे सारा वन आ गया, इसमें ऊपर वाले को न्यूमरेटर्स को सब मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 × 3 = 15 एंड 15 × 3 = 45 एंड 1 × 1 = 1 एंड 1 × 1 = 1, तो 40/1 को हम लोग लिख सकते हैं सिर्फ 45। आई होप स्टूडेंट्स दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।